नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद्यालोक में। मैं रवि तिवारी हूं, मेरे साथ हैं प्रयागराज के हिंदी के एक बड़े विद्वान अमरेश भट्ट सर। अमरेश भट्ट सर का हिंदी में अध्यापन का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। बड़ी परीक्षाओं के लिए सर लगातार हिंदी पढ़ाते रहे हैं और 10 वर्ष से हम लोग एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आरओ पुनर्परीक्षा 2016 जो आयोजित होनी है मई के प्रथम सप्ताह में, आप सभी लोगों को मालूम है कि संस्थान द्वारा उसके लिए बैच प्रारंभ किया गया है और आपके चयन में हिंदी की एक बड़ी भूमिका है यहाँ पे, न केवल प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। संस्थान ने तय किया है कि जो भी अभ्यर्थी इस बैच में प्रवेश लेंगे, आप सभी लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा का भी हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम यहीं पर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूर्ण करा दिया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। अमरेश भट्ट सर से हम लोगों ने आग्रह किया, सर ये बड़ा बैच है, आप आइए, और सर ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। इसके लिए हम संस्था की तरफ से सर को धन्यवाद प्रेषित करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार जब आप सर से हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी में आपके चयन में कभी भी बाधा नहीं होगी। जो भी प्रश्न आपके गलत होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की हिंदी भी आपकी स्पष्ट हो जाएगी। आलोक सर के कुशल निर्देशन में हम लोग आरओ एआरओ के बैच के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रवेश का भी हम लोग अनाउंस कर चुके हैं, लगातार प्रवेश प्रक्रिया आपकी चल रही है। 65 दिन का क्रैश कोर्स हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है और उसी 65 दिन में हम लोग एकदम करो या मरो की स्थिति वाली स्थिति को लेकर आपकी कक्षाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े, आप लोगों ने भेजे कि सर ये 2016 का हमने फॉर्म नहीं भरा था। 2016 का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो तो इस परीक्षा को दे रहे हैं, लेकिन आगे अगर आपको आरओ एआरओ की तैयारी करनी है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी करनी है, तो भी आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आप सभी लोग आइए और लाभान्वित होइए। मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं अमरेश सर को एक बार फिर, और आप सभी लोगों को हिंदी के लिए अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थोड़ी देर बाद अमरेश सर अपने विषय को शुरू करेंगे, उससे पहले मैं 2 मिनट एक संस्था की तरफ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। संस्था में आरओ एआरओ का जो बैच प्रारंभ है उसमें आप प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। कैसे प्रवेश प्रक्रिया आप सुनिश्चित करा सकते हैं अपने प्रवेश को, नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आप फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, या यह हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने मोबाइल में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, 8736093317। याद रखिए मैंने कहा व्हाट्सएप, और एंट्री आरओ लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी और आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। सोचने समझने के लिए समय बहुत कम है, हम लोग पूरी रिसर्च के साथ पूरी तैयारी के साथ आगे आ चुके हैं। आलोक सर के कुशल मार्गदर्शन में हम सभी लोग बहुत शानदार करने के लिए बढ़ रहे हैं, आइए एक नया इतिहास लिखते हैं। अब अमरेश सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हिंदी विषय को प्रारंभ करें। सर धन्यवाद। रवि सर, मैं रवि सर को और आलोक सर को अनंतानंत शुभकामनाओं के साथ कोटि सा धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमको बुलाए हैं कि जिससे आप ही नहीं लाभान्वित होंगे, मुझे भी यहाँ आकर के प्रसन्नता और खुशी है। हम बिना भूमिका के, मैं पंडित अमरेश भट्ट आपको हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, बिना किसी भूमिका के हम अपने टॉपिक पर आते हैं और बीच बीच में बातें होती रहेंगी। मेरे प्यारे अंतेवासियों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मेरी इच्छा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से आप लोग लाभान्वित होंगे और सफलता के अंतिम चरण में जाएंगे और सफल होकर के एक सेवार्थ के लिए आप काम करेंगे। मैं सामान्य हिंदी पर बात कर रहा हूं, सामान्य हिंदी में आरओ एआरओ के बारे में बात कर रहा हूं। समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपने सिलेबस पर आता हूं और उस पर बात करता हूं। देखिए, आरओ एआरओ समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है जो जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी है उस हिंदी से भी पूछे जाते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपके ये 6 टॉपिक दिए गए हैं।
इस 6 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, तो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से ये 60 क्वेश्चन और 60 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें जो शामिल किया गया है वो विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है, विशेष एवं विशेषण शब्द है और पर्यायवाची शब्द है। ये 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं, इनको तो हम कंप्लीट कराएंगे, ये तो मेरा नैतिक दायित्व है। इसके साथ ही साथ संस्था की तरफ से जो मुझे बताया गया है, और मुझे ये लगा कि ये एक अच्छी चीज है कि संस्था ने प्री ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी अपना एक शेड्यूल बनाया है कि हम परीक्षार्थियों को केवल प्री के बारे में ही न अवगत कराएं बल्कि मेंस के बारे में भी अवगत करा दें, और इसी के साथ साथ हम प्री कम मेंस यानी प्री और मेंस दोनों की हम बात करेंगे हिंदी विषय को लेकर के, कि हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें हम प्री के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक पे तो बात करना ही करना है। इसके अतिरिक्त जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेंस पे यानी मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में देखें तो खंड 1 है और खंड 1 से गद्यांश पूछे जाते हैं। इस गद्यांश में शीर्षक भी पूछा जाता है और इस गद्यांश में रेखांकित शब्द दिए रहेंगे और उसका आपको भावार्थ लिखना रहेगा, ऐसा इसमें होता है। डिटेल इस पर बात किया जाएगा, आज हम केवल सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इस सिलेबस का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद पत्राचार होगा और इसके बाद सरकारी पत्र का सार्डियन रूप यानी टेबुलर फॉर्म होगा, जिसको टेबुलेशन भी कहते हैं। एक शासकीय पत्र या सरकारी पत्र रहेगा, उसका टेबुलेशन किया जाएगा, यानी टेबुलर फॉर्म रहेगा, उस पर भी बात किया जाएगा, विस्तृत बात किया जाएगा। पत्राचार में जो शामिल किए जाते हैं, इस पत्राचार में जो शामिल है वो पत्र शामिल है, और पत्र हमको लिखने के लिए आता है, चूंकि यह सब्जेक्टिव फॉर्म है, लिखने के लिए आता है मेंस में। यहां केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है, जबकि प्री में केवल ऑब्जेक्टिव है। तो शासकीय पत्र है, अर्ध शासकीय पत्र है, इस पर हम बात करेंगे, कार्यालय आदेश पर बात करेंगे, ज्ञाप एवं परिपत्र पर बात करेंगे, विज्ञप्ति पर बात किया जाएगा, टिप्पण पर बात किया जाएगा एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक पर बात किया जाएगा। यानी इतने पत्रों में से आपको पत्र पूछा जाएगा, उनकी इच्छा क्या पूछेंगे, हम सब पर डिटेल बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, वो सिलेबस में शामिल किया गया है पारिभाषिक शब्दावली है, और इस पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी, इससे क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी शब्द रहेंगे उसका हिंदी लिखना रहेगा, हिंदी से अंग्रेजी यानी हिंदी रहेगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा उसका अंग्रेजी आपको मीनिंग्स लिखना रहेगा। इसके अतिरिक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहेगी, तो मुहावरे एवं जो लोकोक्तियां होंगी वह 5 पूछी जाएंगी, ये 10 नंबर का होगा यानी 5 पूछा जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ये आपके मेंस का सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा यानी लिखित फॉर्म रहेगा। इसके अतिरिक्त जो आपको रहेंगे खंड 2 रहेगा, ये आधे घंटे का पेपर होगा, और इस आधे घंटे के पेपर में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न में 60 अंक आपको यहां भी रहेगा। एक सफलता के लिए बहुत ही जरूरी एक कदम है कि हम थोड़ा सा इसको सारगर्भित तरीके से पढ़ें। इसके साथ ही साथ इसमें अच्छाई क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है वह विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है, विशेष एवं विशेषण शब्द है, यहां भी है। यानी जो हम प्री में पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मेंस में भी पढ़ेंगे, यानी यहां से अगर हम मेंस के ऑब्जेक्टिव को देखें और प्री के सब्जेक्टिव को देखें तो उसमें कोई बेसिकली कोई अंतर नहीं है, केवल एक टॉपिक को छोड़ करके बाकी कोई अंतर नहीं होता है। प्री में जब हम जाते हैं तो पर्यायवाची ऐड कर लेते हैं, यहां पर आते हैं तो पर्यायवाची ऐड नहीं होता है, यानी यहां पर पर्यायवाची नहीं पूछी जाएगी मेंस में। लेकिन प्री के लिए चूंकि हमको तैयारी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस पर भी हम विशेष तौर पर इस पर बात करेंगे कि यहां से प्रश्न आपका गलत ना हो। लेकिन हम तो ये टॉपिक आपको दे दिए गए हैं,
इस टॉपिक से आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, आप इसका लाभ भी उठाएंगे। लेकिन हमारे मन में जो इसके अतिरिक्त जो जिज्ञासा है, या जो मैं समझता हूं कि यह बेटर रहेगा आपके लिए, वह यह है कि एक बेस की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बेस की आवश्यकता होती है, एक आधार की आवश्यकता होती है। आधार का अर्थ मेरा यह है कि हम जब मकान बनाते हैं तो मकान में मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। अगर मजबूत नींव नहीं पड़ेगी तो संभवतः मकान टिकाऊ नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है वह नींव हमको दिखाई नहीं देती है कि कहां कितनी गहराई तक गई है या क्या है, केवल ऊपरी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो यहां पर कभी कभी ऐसा होता है जो अदृश्य है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभकारी है, वो हमारे लिए सहायक है। भले ही इसमें सिलेबस में बात नहीं हुई है, इस चैप्टर की बात नहीं हुई है, लेकिन उस चैप्टर के बारे में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे समझ से, और ये आपको लाभकारी भी होगा। क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक में यह बहुत ही सहायक होगा। और वो टॉपिक है, वो जो आधार है, वो जो नींव है, वो जो बेस है, वह है वर्णमाला। यानी इस पर हम आपकी बात करेंगे, डिटेल बात किया जाएगा, बिना टाइम खर्च किए बात किया जाएगा, एक अच्छे तरीके से इसका एक बेस तैयार किया जाएगा। क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि जो आपको विलोम को भी सही करेगा, वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण को भी सही करेगा, और तत्सम एवं तद्भव शब्द विशेष एवं विशेषण या अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहां सही करेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, हम मेंस में जब हम लिखित कार्य करते हैं यानी वहां लिखते हैं तो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कुछ शब्द कुछ वर्तनियां होती हैं, वर्तनियों को लेकर के, मात्राओं को लेकर के हम थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, या ये बड़ी लगना चाहिए, छोटी लगना चाहिए, छोटा उ लगना चाहिए कि बड़ा उ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, वह लिखें वह लिखें, श लिखें श लिखें सा लिखें, कैसे दंत श लिखें कि तालब्य श लिखें कि मूर्धन्य श लिखें, क्या लिखें, इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग प्रायः ऐसा हिंदी के जो छात्र हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। और होता क्यों है ऐसा कि प्रैक्टिस नहीं है या थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, इसलिए होता है। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास करूंगा कि पहले हम वर्णमाला की बात करें। वर्णमाला को पढ़ाने के बाद आपके ये समझिए वर्णमाला मैं इस टॉपिक में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये सिलेबस में है, मानकर चलेंगे सिलेबस में है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी जो आपके लिए लाभकारी होगी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला की हम बात करें तो वर्णमाला से पहले थोड़ी सी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देख लें। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हिंदी का विकास होता है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जो हीनता को नष्ट करता है वही हिंदी है, उसमें हम बात करते हैं। हिंदी के विकास क्रम को देखा जाए, पहले वर्णमाला से पहले जानने से पहले हम हिंदी के विकास क्रम को देखें तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, तो बातें हमको सारी समझ में आ जाएंगी। हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो भाषाओं की जननी या भाषाओं की मां या क्लासिकल भाषा, उन्नत भाषा, या जो आप उपाधियां देना चाहें, वह हम देते हैं संस्कृत को। यानी संस्कृत को हम भाषाओं की जननी भी कहते हैं, भाषाओं की मां भी कहते हैं, या क्लासिकल भाषा भी कहते हैं, उन्नत भाषा भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये ओरिजिन है, हमारा उत्पत्ति का स्रोत है। समय काल परिस्थितियों, ये कायनात है और कायनात में परिवर्तन होता है, परिवर्तन स्वरूप हम नए नए चीजों को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो भाषा के क्रम में हो या किसी अन्य वस्तु के क्रम में हो। तो उसी क्रम में संस्कृत से धीरे धीरे विकास होता है या विकास परिवर्तन होता है। संस्कृत से ही एक भाषा निकलती है, पाली निकलती है, पाली भाषा, और पाली से प्राकृत भाषा का यहां पर निष्कासन होता है। प्राकृत से हम अपभ्रंश पर आते हैं, प्राकृत से
अपभ्रंश पर आते हैं और अपभ्रंश से अवहट्ट पर आते हैं, अवहट्ट पर आते हैं, अवहट्ट से हम हिंदी पर आते हैं, हिंदी पर आते हैं, यानी इस पर हम आते हैं। यानी एक विकास क्रम होता है, विकास में संस्कृत से पाल, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी में विकास होता है, ऐसा ही माना जाता है। और हिंदी में हम आते हैं और हिंदी में अपनी हम बात रखते हैं, यानी जानकारी हम हासिल करते हैं। एक विकास क्रम होता है शुरू से, लेकिन अगर हम इस हिंदी के विकास, हिंदी तक पहुंचने में या हिंदी को हिंदी बनाने में, हिंदी नामकरण करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। मैं समय को बचाते हुए थोड़ा दो एक पॉइंट लिख दिया हूं, उस पर हम बात करते हैं। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जो भारोपी परिवार की भाषा है। देखिए, हिंदी जो है ये भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी में चार भाषा परिवार है और इन चार भाषा परिवारों में एक भारोपी भाषा परिवार है। उसी परिवार की जो भाषा है वह हिंदी है, यह फारसी भाषा का शब्दावली है। अगर हम ये कहें कि इसका विकास क्रम के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया कि ये कैसे यह भारोपी भाषा परिवार की होती है और कैसे फारसी भाषा की शब्दावली होती है। फारसियों के देन है, व्यापार की एक प्रक्रिया चलती है, उस व्यापार की प्रक्रिया में सिंध के निवासी यानी फारस के निवासी यहाँ पर आते हैं। और वह इत्तेफाक की एक बात है कि जैसा कहा जाता है कि सिंध में यानी फारसी में, सिंध में नहीं, फारसी में, फारसी में हम स का उच्चारण जो है वह ह के रूप में करते हैं और ध का उच्चारण द के रूप में करते हैं। तो बल्कि हमारे यहाँ सिंधु नदी बहा करती थी, वह सिंधु नदी न बोल करके वह हिंदू नदी का वचन करते हैं और हिंदू से हिंदी शब्द का कालांतर में चल करके विकास हुआ है। ये हम किसी अन्य लेक्चर जब एक अलग से लेंगे उस पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे ये विकास होता है। आज यहाँ पर हम अपने मूल टॉपिक पर आना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं जिक्र आपको कर दे रहा हूँ। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पर उदंत मार्तंड होता है, यानी उदंत मार्तंड का प्रकाशन होता है। यह साप्ताहिक समाचार पत्र है, प्रत्येक मंगलवार को इसका प्रकाशन होता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ये कानपुर के निवासी हैं, इन्होंने ही इस पत्र का प्रकाशन किया, यानी 30 मई 1826 को। अगर इसका हम प्रकाशन तिथि देखते हैं तो 30 मई 1826 को इसका पहली बार प्रकाशन होता है, यानी इसका प्रकाशन पहली बार 30 मई 1826 को होता है। 30 मई 1826 को तभी से अगर हम देखें पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो पत्रकारिता दिवस में हम ये देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाई जाती है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाई जाती है। चूंकि पहली बार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 30 मई 1826 को होता है, इसलिए इसी की याद में हम प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। यह मंगलवार के दिन निकलता है, एक पुस्तक के आकार का ये पहले छपता था, अब तो जैसे समाचार पत्र आ रहे हैं वैसा समाचार पत्र नहीं, पुस्तकाकार में यह समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। यह धीरे धीरे एक प्रक्रिया थी विकास क्रम के, हिंदी के विकास क्रम की, और हिंदी का विकास होता है, विकास चलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है बनारस अखबार के नाम से, जो शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, बनारस के जो राजा हैं उन्होंने प्रकाशित किया था। 1854 में अगर हम बात करें तो आपको पहली बार दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, समाचार सुधा वर्षण या सुधा वर्षण के नाम से उसको जाना जाता है, ये प्रकाशन होता है। इस प्रकाशन के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम अपनी प्रक्रिया में यानी हिंदी में आ जाते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी कभी कभी ऐसा है ये पूछ लेता है, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। हम आते हैं, इसके बाद आते हैं अपने मूल टॉपिक पर आते हैं और वर्णमाला पर हम बात करते हैं। हम वर्णमाला का जिक्र करते हैं
वर्णमाला पर हम बात करते हैं। पहली चीज अगर वर्णमाला से संबंधित हम देखें तो वो हम ये पाएंगे कि यह माला है, माला है, माला किसी भी चीज की हो सकती है, माला फूल की भी हो सकती है और माला मोती की भी हो सकती है, माला नोटों की भी हो सकती है, हो सकती है। तो यहां ना ही हमको फूल की माला बनाना है, ना ही मोती की माला बनाना है और ना ही नोटों की माला बनाना है। आप देखते भी होंगे, दुकानों पर मिलता भी है। यहां हमको वर्ण की माला बनाना है, वर्ण की, यानी यहां पर हमको वर्ण की माला बनानी है। वर्ण की माला बनानी है तो अब यहां पर जब वर्ण की माला बनानी है तो वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाती है। अब इस वर्णमाला को, यानी वर्णों की माला, अगर हम समास में जाएं तो तत्पुरुष समास का यह भेद होता है देखा जाए तो, लेकिन यह वर्णमाला की हम बात करें तो वर्णों की माला, वर्णमाला, अब इन्हीं वर्णमालाओं को हमने विभाजित किया है, यानी इस वर्णमाला को हमने विभाजित किया, किन रूपों में विभाजित किया। तो पहली चीज अगर हम ये कहें कि यह वर्णमाला है, वर्णमाला है, और वर्णमाला का हम विभाजन करते हैं, पहला विभाजन हमारा होता है स्वर के रूप में होता है, दूसरा विभाजन अयोगवाह के रूप में होता है और तीसरा विभाजन व्यंजन के रूप में होता है। यानी हम तीन रूपों में इसको विभाजित करते हैं, स्वर के रूप में विभाजित करते हैं, अयोगवाह के रूप में विभाजित करते हैं और व्यंजन के रूप में विभाजित करते हैं। तो स्वर के रूप में जब हम विभाजित करते हैं तो इसके हम प्रकारों पर बात करते हैं। पहली बात हम ये जानें कि स्वर क्या होते हैं। अगर हम स्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्वतंत्र शब्द होते हैं, अगर परिभाषिक रूप में कहा जाए तो ये स्वतंत्र शब्द होते हैं, स्वतंत्र वर्ण होते हैं, शब्द नहीं वर्ण होते हैं, और इन पर, यानी ये किसी से मिक्स नहीं होते हैं, अपने आप में इनकी सत्ता जो होती है वह स्वतंत्र होती है, इसलिए इनका उच्चारण भी स्वतंत्र रूप से होता है। तो हम इसमें ये देखें कि ये जो हमारे स्वरों की संख्या है वो कितनी है, स्वरों की संख्या के बारे में भी हम बात करेंगे और इसके विभाजन की भी बात करेंगे। तो स्वर के अगर हम विभाजन की बात करें तो इस विभाजन में हम इसको विभाजित कर देते हैं, इसको हम विभाजित कर सकते हैं। इसका जो विभाजन होगा वह ह्रस्व स्वर के रूप में होगा, ह्रस्व स्वर के रूप में होगा। इसके अलावा ह्रस्व स्वर का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर को हम आधार स्वर भी कहते हैं, आधार स्वर भी कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर को आधार स्वर भी कहा जाता है, या इसको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये मूल स्वर भी है, पूछा जा सकता है, मूल स्वर के रूप में भी पूछा जा सकता है, आधार स्वर के रूप में भी पूछा जा सकता है, अय ह्रस्व स्वर के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसमें कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो जो शामिल होने वाले इसमें स्वर हैं वह कौन कौन से हैं, तो पहला जो शामिल होने वाला स्वर है वह अ है, इसके बाद छोटी ई, छोटा उ और री, ये चार जो स्वर है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं या आधार स्वर कहते हैं, यानी चार स्वर को हम मूल स्वर या आधार स्वर कहते हैं।
अ ई उ और री, यानी ये चार स्वर हैं। इसके अलावा एक होता है दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जो शामिल होते हैं, दीर्घ मतलब होता है क्या, बड़ा, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में जो शामिल होता है वो कौन से स्वर शामिल होते हैं, कौन कौन से स्वर हैं इसमें जो शामिल होते हैं, इसी का चूंकि दीर्घ होता है, बड़ा होता है, तो शामिल कौन होगा, आ होगा, बड़ी ई होगा और बड़ा उ होगा। क्यों आ ही होगा दीर्घ स्वर, क्योंकि आ का जो निर्माण होता है वह औधन अ से होता है, ई का जो निर्माण होता है वह छोटी ई धन छोटी ई से होता है, और उ का निर्माण छोटा उ धन छोटा उ से होता है। यानी ये दीर्घ हुआ, बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के कारण ही हम इसे दीर्घ स्वर कहें। यानी उच्चारण जो हमारा समय है, हरस्व स्वर में उच्चारण समय कम लगता है, इसके अपेक्षा जो इसका उच्चारण समय है वह अधिक लगा, यानी दो गुना लगा, तो इसे हम दीर्घ स्वर कहे। अ को बोलने में, दो बार अ को बोलने में दुगुना समय लगेगा, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर के, यानी तीन जो स्वर है हमारे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा एक जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसके अलावा जो स्वर शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं संयुक्त स्वर शामिल होते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर शामिल होते हैं। और संयुक्त स्वर में जो शामिल होते हैं वह कौन कौन से स्वर संयुक्त स्वर शामिल होते हैं, कहा जाता है ई को, ए को, ओ को और औ को। ये चार हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। हम संयुक्त स्वर इन्हें क्यों कहते हैं, पहली बात हमारे जहन में आनी चाहिए, क्यों संयुक्त स्वर कहा जाता है इसको। इसलिए कहा जाता है कि ए जो है इसका निर्माण जो होता है वह अ धन ई से होता है, ए का निर्माण जो होता है अ धन ए से होता है, ओ का जो निर्माण होता है अ धन उ से होता है, और अ का निर्माण अ धन ओ से होता है, अ धन ओ से होता है। देखिए यहां समझने वाली चीज है कि इसको हम संयुक्त स्वर कह रहे हैं, और इसके पहले मैंने जो बताया वो दीर्घ स्वर के बारे में मैंने बताया। दीर्घ स्वर ये भी हो रहा है लेकिन ये संयुक्त हो रहा है, संयुक्त स्वर कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है अ और ई, ये दो भिन्न भिन्न स्वर है। तो जब भिन्न भिन्न स्वर है, जैसे मान लीजिए कि गंगा है, गंगा में एक तरफ से गंगा आ रही है दूसरी तरफ से गंगा आ रही है, गंगा में गंगा को मिला दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गंगा ही हो जाएंगे, उनकी धारा थोड़ी सी और अधिक हो जाएगी या दोगुनी हो जाएगी, तो ये गंगा की धारा दीर्घ हो गई, बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, इसलिए दीर्घ हुआ, समान स्वर मिल रहे हैं। दीर्घ स्वरों में क्या हो रहा है, समान स्वर मिल रहे हैं, तो समान स्वर जब मिल रहे हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर कह रहे हैं, क्योंकि आ में अ अ मिल रहा है, ई में ई ई यानी छोटी ई मिल रहा है, उ में छोटा उ और छोटा उ मिल करके बड़ा उ का निर्माण कर रहा है, यानी दीर्घ का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहां पर दो वर्ण दो स्वर मिल रहे हैं, लेकिन दो स्वर मिलने से नहीं है, भिन्न भिन्न स्वर है, अलग अलग स्वर है, समान स्वर नहीं है। तो जो अ है और जो ई है ये भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर जब मिलते हैं यानी अ मिला और ई मिला तो एक तीसरे स्वर का निर्माण हुआ, ए का निर्माण हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि एक तरफ से गंगा आ रही है एक तरफ से यमुना आ रही है, तो गंगा आई और यमुना आई, तो गंगा और यमुना जब मिली तो वह प्रयागराज हो गया, संगम हो गया जहां पर हम लोग हैं। यानी ये भिन्न भिन्न स्वर हैं। इसी प्रकार से यानी अ और ई मिलकर के ए का निर्माण किए,
अ और ए मिलकर के ए का निर्माण किए, अ और उ मिलकर के ओ का, अ और ओ मिलकर के ओ का निर्माण किए, यानी ये चार जो हमारे हुए ये संयुक्त स्वर हुए। आप कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है तो चार लगाइएगा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप तीन लगाइएगा, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल ये है कि यहां पर अगर हम समझाने का देखें, समझते हुए देखें, यहां पर भी दो स्वर मिल रहे हैं, अ मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो संख्या के आधार पर यहां भी स्वर मिल रहे हैं। अगर हम आ की बात करते हैं, आ की बात करें तो यहां पर भी अ मिल रहा है और अ मिल रहा है, यानी संख्या के आधार पर यह भी एक स्वर है, यह भी एक स्वर है, तो दो स्वर हुआ, और संख्या के आधार पर यह भी एक स्वर है, यह भी एक स्वर है, दो स्वर हुआ, इसलिए यह है। ओवरऑल अगर देखें तो यह भी दीर्घ है और यह भी दीर्घ है, लेकिन बेसिकली अगर हम जेनेटिकली देखें तो निश्चित तौर पे यह अलग होता है और इससे संयुक्त भिन्न भिन्न स्वर है, भले ही दो स्वर है लेकिन भिन्न भिन्न स्वर है, इसलिए यहां पर जो है इस संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या चार, दीर्घ स्वरों की संख्या तीन, अगर मान लीजिए पूछा गया है दीर्घ स्वर कितने होते हैं और ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन ए बना दिया पांच, ऑप्शन बी बना दिया दो, ऑप्शन सी बना दिया सात, ऑप्शन डी बना दिया छह, अगर ऐसा बना देता है और पूछा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब तो कितनी होगी, सात होगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यह पूछता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है और यहां पर एक ऑप्शन मान लीजिए हट गया और यहां पर दे दिया गया है तीन दे दिया गया है, और पूछा है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, भले ही ऑप्शन सात है लेकिन दीर्घ स्वरों की संख्या उस समय क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कंडीशनल है, कब हम सात लगाएंगे, तीन के न रहने पर, तीन के न रहने पर हम सात लगाएंगे, अगर तीन उपस्थित है तो हम तीन लगाएंगे, और नहीं तीन उपस्थित है और पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो हम सात लगाएंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त स्वर में कोई विवाद नहीं है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर ये दोनों मिल जाते हैं और संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं संधि स्वर, जिसे हम कहते हैं संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, सात होती है। संधि स्वर इसलिए कहते हैं कि यहां पर दीर्घ स्वर और प्लस संयुक्त स्वर इन दोनों को मिलाकर के, यानी ये तीन हो गया और ये आपके चार हो गए, ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं सात, अतः संधि स्वरों की संख्या होती है सात। तो संधि स्वर कभी पूछा जाए कितना होता है तो आपको सात लगाना है, दीर्घ स्वर पूछा जाए तो तीन लगाना है, और संयुक्त स्वर पूछा है तो आपको चार लगाना है। ये आपके स्वरों का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ, भिन्न भिन्न विद्वान अपने अपने किताबें लिख दिए हैं कुछ ऐसे लोग, तो उसमें थोड़ी सी गलतियां आ गई हैं, बस इसीलिए क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा किया है। इसके अतिरिक्त जो है हम बात करते हैं, एक स्वर होता है कि जिसका मेंशन होता है लेकिन गणना नहीं होती है, गणना नहीं होती है, यानी अगर हम गणना के आधार पर स्वरों की संख्या बात करें तो चार जो है वो हमारे हो गए हरस्व स्वर, हरस्व, धन तीन हो गया, दीर्घ धन चार हो गया, संयुक्त तो चार तीन सात चार ग्यारह, यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, ग्यारह हो गई। टोटल स्वर हमारे ग्यारह होते हैं, ग्यारह स्वरों का वर्गीकरण हुआ। लेकिन इसके महत्वपूर्ण एक चीज और है, इसमें स्वरों में
वह होता है प्लुत स्वर, यानी प्लुत स्वर की हम बात करें, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की बात करें, और प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, त्रिमात्रिक स्वर इसके नाम से भी हम जानते हैं, त्रिमात्रिक स्वरों के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, अंकित कैसे किया जाता है, या तो हिंदी का आप 3 बना दीजिए, नहीं तो अंग्रेजी का यस बना दीजिए, इस प्रकार से किया जाता है। ये बेसिकली ये संस्कृत में या गायन की परंपरा में ये इसका प्रयोग होता है, किसी को दूर से बुलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। गायन की परंपराओं में प्रायः सामवेद में ही इसका ज्यादा वर्णन मिलता है, या अन्य कहीं जब हम लिखते हैं स्पष्टीकरण की लिखावट में, जो स्पष्टीकरण लिखावट है उसमें इसका हम प्राय प्रयोग करते हैं। हिंदी में कम प्रयोग होता है, संस्कृत में इसका बहुतायत प्रयोग होता है। ये भले ही ये भाषा को सही बनाते हैं, भाषा को परिनिश्चित करते हैं, भाषा के मानकीकरण को यह स्थापित करते हैं, लेकिन इनकी संख्या को काउंट नहीं किया जाता है, हिंदी में काउंट नहीं किया जाता है, और यह भाषा को एक स्पष्ट करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा होता है ओम लिखा रहता है, तो ओम जो लिखा रहता है वह हिंदी का 3 और म, अगर नहीं देखे होंगे तो अब जाकर के देख लीजिएगा, ओम लिखा रहता ऐसे लिखा रहता है। तो ओम जब हम बोलते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, यानी 3 गुना, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, 3 गुना समय लगने के कारण हम इसके त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं या प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी, या किसी को हम गायन की परंपरा में भी इसको प्रयोग करते हैं, या किसी को दूर से बुलाना होता है उसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी के आवाज में जैसे मान लीजिए मेढक कैसे बोलता है, तो मेढक कैसे बोलता है, टर्र बोलता है, तो अब हम टर्र बोल रहे हैं तो ये र जो है, र के बाद हम रुक नहीं रहे हैं, र के बाद अभी क्या है, हमारी कंटिन्यूटी जारी है। तो इस कंटिन्यूटी को स्पष्ट करने के लिए कि अभी यहां रुका नहीं है, अभी ये आगे हमारा फ्लुएंसी बनी हुई है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम त्रिमात्रिक स्वरों का प्रयोग करते हैं, इनकी संख्या को नहीं काउंट करते हैं, लेकिन ये भाषा के स्पष्टीकरण में शामिल होते हैं, यानी ये प्लुत स्वर होते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों में मैंने 4 रूप पढ़ा, एक पढ़ा ह्रस्व स्वर जिसको मूल स्वर कहते हैं या आधार स्वर कहते हैं, दूसरा मैंने पढ़ा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा पढ़ा संयुक्त स्वर, और चौथा पढ़ा प्लुत स्वर, इसके बारे में बात की। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी ये हमारा रहे स्वर रहा। इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसी से रिलेटेड है, अयोगवाह पर आते हैं। यानी अयोगवाह पर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं वह अंग को शामिल किया जाता है और अह को शामिल किया जाता है, यानी जो 2 हैं इन दोनों को हमको शामिल किया जाता है, ये 2 हमारे वर्ण हैं, अंग को और अह को शामिल किया जाता है, 2 वर्ण को शामिल किया जाता है, और इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी ने इसको अयोगवाह कहा है, इसका नामकरण दिया है। कुछ विद्वान इसे स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, यानी इसे स्वर मिश्रित व्यंजन भी इसे कहा जाता है, स्वर मिश्रित व्यंजन, यानी एक ऐसा व्यंजन है जो स्वरों में भी मिक्स होता है और व्यंजनों में भी मिक्स होता है, यानी समान स्तर का यह भाव देता है, सबके साथ समान स्तर का व्यवहार करता है, इसलिए इसे स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अंग और अह 2 होते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है कि इसको अयोगवा या स्वर मिश्रित व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह स्वरों के साथ भी उसी रूप में मिलते हैं और व्यंजनों के साथ भी उसी रूप में मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं प्रातः लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं, तो अब हम प्रातः कैसे लिखे, ऐसे लिखे, हम कभी ये नहीं करते हैं कि प्रातः लिखते समय ऐसा नहीं लिखते हैं कि हम प्रातः अह पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि
यह जो अह है यह अपना अ जो है यह शामिल नहीं करता है, कहता है कि हम आधा ही अपना शामिल होंगे, यानी अर्ध ही शामिल होता है, चाहे ये स्वरों के साथ शामिल हो या व्यंजनों के साथ शामिल हो, यह आधा ही अपना भाग शामिल करता है, इसलिए इसे अयोगवाह, अ मतलब नहीं, योग मतलब योगवाह मन चलने वाला, जो योग न हो फिर भी साथ साथ वह चलता हो उसे हम अयोगवाह कहते हैं। या स्वर मिश्रित व्यंजन, स्वरों के साथ भी मिश्रण हो रहा है, व्यंजनों के साथ भी मिश्रण हो रहा है, इसलिए इसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यह इसका जो मिलन हो रहा है यह पूर्णतः न होकर के आधा केवल हो रहा है, इसलिए इसे हम अयोगवाह या स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इसको स्वर पूर्णतः नहीं माना जाता है, इसे स्वर मिश्रित व्यंजन या अयोगवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत दो वर्ण को शामिल किया जाता है, अंग और अह। पुनः भी आप लिखते हैं, पुनः भी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो यहां भी अह पूरा न लिख करके केवल इसका विसर्ग रूप लेते हैं, यानी ये जो विसर्ग रूप है इसी को केवल हम लेते हैं, यानी ये ले करके और हम एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ये तो ये हमारा संभव हुआ अयोगवाह के द्वारा, तो इसके कारण इसको लेकर के हमने इसका निर्माण कर लिया। अंग की बात है, अंग में भी ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए आपको लिखना है पंप लिखना है तो पंप लिखना है, तो ये क्या हुआ, अंग की मात्रा है। हमने कभी ऐसा नहीं लिखा पंप, ऐसा नहीं लिखा अंग, ऐसा नहीं लिखा। हमने हंस लिखा तो हंस कभी ऐसा नहीं लिखा हंस, ऐसा नहीं लिखा है। हमने क्या किया है, हंस लिखा है। ह के ऊपर हमने इस अ को नहीं शामिल किया है, बल्कि इसके इस बिंदु को ही केवल शामिल किया है, इसलिए ये यह भी आधा ही इसमें मिला है और आधा मिल करके एक नए शब्द का निर्माण कर दिया है, इसलिए इसको हम अयोगवा या स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो यानी बेसिकली दो वर्णों को, अंग को और अह को, हम क्या किस नाम से जानते हैं, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। संभवतः आशा करते होंगे कि आप लोगों को वर्णमाला में स्वर और अयोगवाह क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बता है व्यंजन, तो इसको हम नेक्स्ट अगले में लेते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और ढेर सारा शुभकामनाएं और प्यार।